नगर परिषद के सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते शहर की सफाई व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। बस्तियों में नालियां चौक होने से सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है। 6 दिन की हड़ताल से ही शहर में तस्वीर बदल गई है। 13 अप्रैल से नगर परिषद के सफाई कर्मचारी कम वेतन मिलने पर कलेक्टर रेट पर वेतन देने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इनकी परिषद एवं प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता भी बेनतीजा निकली। 6 दिन से चल रही हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। हर बस्ती और गली और मुख्य बाजारों में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। इतना ही नहीं, तमाम बस्तियों में नालियां चौक हो गई हैं। इससे नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। 6 दिन से सड़ चुके कूड़े से दुर्गंध आ रही है। लोगों का राह निकलना मुश्किल हो गया है। हालात ये है कि गंदगी से परेशान लोग अब कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर परिषद प्रशासन पर खीज उतार रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर हड़ताल को लेकर परिषद प्रशासन पर टिप्पणी की जा रही है। गंदगी से मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। परिषद के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था ध्वस्त पड़ी है। कूड़े के ढेर और उफनती नालियों से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। लोगों के दिन का चैन और रात की नींद खराब हो रही है। लोग परेशान हैं। मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से संक्रमण फैलने की आशंका से लोग आशंकित हैं। नगर परिषद के पास स्थायी सफाई कर्मचारियों ने भी आज से सफाई करना बंद कर दिया है। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से गली मोहल्लों की दुर्गति हो रही है और आज शुक्रवार को स्थायी कर्मचारियों ने भी साफ सफाई नहीं की। सीएम ओ मधुसूदन श्रीवास्तव से बात करना चाहिए तो वह छुट्टी पर हैं। प्रशासक एसडीएम दिनेश चंद्र शुक्ला से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा, मैं सफाई दरोगा से बात करके सफाई कर्मचारियों की मिनिमम वेतन करवाए जाने को लेकर फाइल कलेक्टर साहब के पास भेज चुका हूँ। आदेश आने पर वेतन बढ़ा दिया जाएगा। करेरा से संजय गुप्ता बिलैया की रिपोर्ट। आप कौन से बाढ़ के निवासी हैं, क्या समस्या है? मेरा नाम विशाल गुचिया है। मैं बाढ़ क्रमांक कृष्णागंज का स्थानीय निवासी हूं और मेरे मोहल्ले में कई दिनों से गंदगी नालियां चौक हो रही हैं और सफाई नहीं हो रही है और सफाई कर्मी हड़ताल पे हैं। इसलिए इन्हें प्रशासन से मेरा ये आग्रह है कि जल्द से जल्द मतलब मेरे मोहल्ले की बाढ़ की मतलब सफाई करवाने का आग्रह किया जा कर रहा हूँ। और ये कचरा फैला हुआ है, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम राकेश गेड़ा है। कच्ची गली में इसकर आलम में कि गंदगी के मारे परेशान है, कचरा फैला हुआ है, बहुत बुरी स्थिति है। खुद हमको सफाई हाथों से गंदा पड़ रही है। प्रशासन कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। क्या है, आप स्वयं झाड़ू क्यों लगा रहे हो? मेरा नाम मुंडालाल साहू है और झाड़ू जब नगर की सफाई का कर्मचारी नहीं कर रहा है, हड़ताल पे है तो खुद को करना पड़ेगा। हाँ, और कर्मचारी की बेचारों बीवी क्या करें, 4000 रुपये में कुछ मिलता है उनके लिए क्या? सही बात है। और प्रशासन के लाने तो खुद की जिम्मेदारी है लेकिन मजदूर के ध्यान नहीं है, तो इसलिए आपको दुकान के आगे झाड़ू लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगी झाड़ू, गंदगी जुट गई है दुकान के आगे बहुत सारी। आप स्वयं देख रहे हैं गंदगी जिटी है, तभी झाड़ू लगा रहे हैं। हाँ, इसीलिए अच्छा नहीं लगता कि झाड़ू पर झाड़ू लगाएंगे। चलो ठीक, सफाई करने पर कोई सफाई करेगा।